दोस्तों, वैसे तो हम अपने देवों को क्या दे सकते हैं? वे सर्व सामर्थ होते हैं, परंतु हमारी भावना होती है और हम उस भावना के द्वारा जो पदार्थ भी अर्पण करते हैं, देव हमारे उस भाव से प्रसन्न होते हैं। और वस्तु जो भी हम उपयोग में लाते हैं, वह तो सिर्फ एक नाम मात्र होती है, परंतु उस नाम मात्र से हमारा जो भाव जुड़ जाता है, वह पूरा कार्य करता है। दोस्तों, आज हम यही बात आपको बताएंगे कि राहु और केतु। अब राहु और केतु किसी के ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, तो दोस्तों समझ लेना कि वहीं से जीवन रुक जाएगा। अब जीवन को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे जब तक राहु और केतु ये दो ग्रह शांत नहीं होंगे, तो आप जीवन में तरक्की कर ही नहीं सकते हैं। बाधाएं चाहे किसी भी प्रकार से आए, उन बाधाओं की रोकथाम भी जरूरी है और फिर हमें रास्ते की तलाश भी जरूरी है। किसी पर राहु केतु का प्रभाव? नहीं बनते हैं उसकी वजह से कोई भी काम। अब राहु केतु के आप उपायों को ढूंढते हैं, परंतु उपाय कुछ इस प्रकार के हुआ करते हैं राहु केतु के कि आप उन्हें कर नहीं पाते हैं और कार्य नहीं बन पाता। आज मैं ये छोटा सा उपाय बताऊंगा दोस्तों, जिससे राहु केतु प्रसन्न भी होंगे, उनका दुष्प्रभाव भी हटेगा और आपको माला माल भी कर देंगे। परंतु उपयोग को अपना पूरा, इस प्रयोग को अपना पूरा भाव लगा करके करना है। जो भी प्रयोग करते हैं, उसमें आपकी भावना, आपके सकारात्मक विचार यदि जुड़ गए, तो समझ लेना काम बन गया। दोस्तों, मैं सत्यनारायण शर्मा, छह माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने घर के, रसोई घर के मसालों में आ जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको साधारण से साधारण उपाय बताए, जिसके करने में भी आपको जोर ना पड़े और उसका पूरा फायदा भी आपको मिल जाए। इसीलिए हमने रसोई घर के मसाले को ही चुना है। और जब हम मसालों में आते हैं, तो जीरा, जिसको कि हम अक्सर सब्जी में डालते हैं, जीरा राहु केतु का सबसे ज्यादा पसंदीदा पदार्थ है, मसालों में भी और वैसे। अब आप जीरे का उपयोग यदि शनिवार को किसी भी प्रकार से अपने छाछ में डालकर, लस्सी में डालकर, दही में डालकर यदि इसका प्रयोग करते हैं, और उससे पहले ओम श्री राहुवे नमः, ओम श्री केतवे नमः बोल देते हैं, तो समझ लेना दोस्तों, शनिवार के दिन खास तौर से आप ओम श्री राहुवे नमः, ओम श्री राहुवे नमः, ओम श्री राहुवे नमः ऐसा 5 बार बोल, और ओम श्री केतवे नमः, ओम श्री केतवे नमः 5 बार बोल,
और फिर जो आपके हाथ में है जिसमें जीरा भुना हुआ डाल रखा है, छाछ है या दही है, पी जाएं दोस्तों बस शनिवार। ऐसे तो आप प्रयोग करें चाहे कभी भी, लेकिन सोमवार को यह बोलकर पी लें। समझ लेना राहु और केतु की अपार कृपा आने लग जाएगी। अब मैं आसान सा एक और प्रयोग बता देता हूं दोस्तों। आप चाहे थोड़ा सा जीरा ही, चुटकी भरी हो, आधा ही चम्मच हो, अपना थोड़ा तवे पर भून लेना। थोड़ा थोड़ा सा जब भूनोगे अग्नि जला करके तो भून जाता है जीरा, किसी पर भी भून लेना। और जब वो भुन जाए तो गरम गरम को तो हाथ में ना लेना, ठंडा होने के बाद उस जरा से जीरे को सीधे हाथ में रख करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना दोस्तों। बहुत आसान सी बात बता रहा हूं और यह भोग सीधा उन्हीं तक पहुंचेगा। अब ये कैसे? आपने अब यहां पर बैठ करके अपने इसी प्रकार से 5 बार बोलना है ओम श्री राहवे नमः, और 5 बार बोलना है ओम श्री केतवे नमः। हो गया दोस्त, 1 मिनट भी नहीं लगता। और अब आपने इस जीरे को अपने बाहर आकर के, घर से बाहर जहां ऊपर खुला आसमान दिखाई देता हो, बस दोस्त आपका मुख चाहे किधर भी हो पर हाथ को थोड़ा ऊंचा कर लेना। हाथ को थोड़ा ऊंचा करके और फूंक लगा देना दोस्तों। और आपके फूंक लगाने से वह जीरा उड़ जाएगा आकाश में, चाहे वह कहीं भी उड़ करके गिर जाओ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। उड़ने के बाद राहु केतु को नमस्कार करें और अपनी अर्जी बोल दें दोस्तों। जो भी राहु केतु से समस्या है या आप जो चाहते हैं, आप धन संपत्ति भी चाहते हैं और भी कुछ चाहते हैं, तो अपनी अर्जी लगा देना दोस्तों। बोल देना आपका काम बन जाएगा, पर ऐसा कम से कम 7 शनिवार करना पड़ेगा, केवल शनिवार कर देना दोस्त। और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।